तो गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। बबलू और ट्रेवर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो यार सबसे पहले ऐसा करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, मतलब जूस वगैरह पी लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनाया हुआ है, क्या रखा हुआ है मेरे लिए। जूस तो हमने पी लिया है, अब चलते हैं बाहर। तो देखें क्या कर रहे हैं ये लोग, नजर ही नहीं आ रहे। वो देखो क्या बात है, सुधर गए ये लड़के। वो देखो घास की कटाई कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, गार्डन की सफाई कर रहा है। तो अब बबलू को देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो अपनी धुन में होता है, पता नहीं किन कामों में लगा होता है। ओहो ये तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सुबह योगा कर रहे हैं। योगा करो खत्म कर अभी एक्सरसाइज, सैंडी शोर चलना है, हमें देर हो रही है, चल साला। ये फिर एक्सरसाइज में लग गया मंगल भाई, बहुत जरूरी एक्सरसाइज मंगल भाई, चलते हैं मंगल भाई, जब तक आप गाड़ी गर्म कर लो ना, अभी देर हो रही है। ओके मंगल भाई कहाँ चल रहे हैं मंगल भाई? ट्रेवर के पुराने घर चलते हैं, आज मैं गाड़ी निकालता हूँ। जब तक सोच रहा हूँ कौन सी गाड़ी ले जाएं, जी वैगन पे जाएं या फिर हेवी बाइक पे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी पे जाए, जी वैगन पे? नहीं जी वैगन भी काफ़ी साफ लग रही है, लेकिन इसको काफ़ी चला लिया है, तो जो नई बाइक है हमारी उस पे चलेंगे। तो ड्राइवर ऐसा करते हैं कि पहले फ्रैंकलिन के घर चलते हैं, मैं और बबलू हैवी बाइक पे जाएंगे, तुम वो नीली गाड़ी लेके हमारे पीछे पीछे आ जाओ। भाई मैं ऐसा करता हूँ कि आपके साथ आता हूँ, बबलू को गाड़ी दे दो। नहीं यार ऐसी बात नहीं, बबलू को मैं गाड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि उसे चलानी नहीं आती ठीक से, क्योंकि वो ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, मैनुअल है। भाई तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे साथ आ जाए, तू ना वो गाड़ी लेके आ जा हमारे पीछे, तो उसके बाद जो है ना आगे गाड़ी पे चलेंगे। ये बाइक तो वैसे भी छोड़ देनी है फ्रैंकलिन के घर। ये तो बताओ कि जाना कहाँ गए? वो बताता हूँ आगे चलकर, लेकिन पहले ड्राइवर तुम ऐसा करो अपनी गाड़ी निकालो, बस निकलते हैं अभी, फ्रैंकलिन के घर चलना है। भाई बैठो बबलू। तो यार मैं बाइक को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि नया नया शौक है बाइक का, तो कुछ चला भी लेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, अब चलाने के लिए लिए ऐसे तो थोड़ी लिए, रखने के लिए थोड़ी लिए। भाई पिकअप कैसा है इसका? यार पिकअप की क्या ही बात करूं, ये पहले गियर में 150 तक जाती है। पहले घर में 150 तो माइकल भाई, ये बहुत अच्छी कॉलोनी है माइकल भाई, आप भी यहाँ घर ले लो ना, आपने कहा वो शहर में लिया हुआ है, सारा दिन आगे से गाड़ी गुजरती है, यहाँ बहुत सुकून है। हाँ यार ये मैं सोच रहा था यहाँ पे कोई घर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ही सुकून है, ना ज़्यादा गाड़ियाँ जाती है ना कुछ, जितनी भी बारिशें आ जाए यहाँ पे कोई पानी वगैरह भी नहीं रुकता, तो ये लोकेशन सबसे बेस्ट है। हाँ माइकल भाई वो बात तो मैं कह रहा हूँ। माइकल भाई अभी से करो फ्रैंकलिन का घर ही खरीद लो। यार वो कहाँ सेल करेगा, उसने मतलब अपनी मेहनत की कमाई से लिया है और वो उसने अपने लिए लिया है। माइकल भाई वैसे ये इसका जो घर है ना बहुत अच्छी लोकेशन में, बहुत ही अच्छी लोकेशन में। हाँ ये बात तो है तेरी, ये बात सही है बबलू, घर तो काफ़ी अच्छी जगह पे इसका। यार वो पता नहीं कहाँ रह गया ड्राइवर, अब उतर नीचे। माइकल भाई जब तक वो आ जाए मैं दिल करे कि मैं बाइक पे बैठा रहूं, खड़ा रह रहे के थक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत देर से आएगा, उसे चलाने तो आती नहीं गाड़ी। नहीं नहीं आ जाएगा अभी, वो आ गया सामने, देखो इसको चलाने आती है गाड़ी, जैसे स्लो स्लो चला के आया ये। गुड वर्क।
आ जाओ अंदर देखते हैं फ्रैंकलिन क्या कर रहे हैं। ये रेडी हो जाना चाहिए था इसको, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी पहले बताया था कि निकलना है, पर है तो सुस्त इंसान। वो देखो क्या कर रहा है जाहिल इंसान, मुझे पता था कि यही कर रहा होगा। ओ फ्रैंकलिन क्या कर रहा है ये? आप आ गए मंगल भाई, मंगल भाई मैं सन बाट ले रहा हूँ, धूप पे बस थोड़ा कैल्शियम ले रहा हूँ। तू साले जल्दी उठ और चलना है, हमें देर हो रही है यार। इसका घर तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे, इधर शशके लगे हुए, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह हर चीज़ ओके लगी पड़ी है, तभी तो ये मतलब घर से निकलता नहीं है। मैं भाई कुछ क्या कर, मैं बहुत जो हमने बैंक लूटी थी ना एक शॉट, वो बैंक रोबरी के बाद में ना अमीर हो गया। अच्छा अब जल्दी से बाहर आ जाओ, चलना है हमें देर हो रही है। जल्दी भागते हुए आ जाओ यार, मतलब काफ़ी देर हो गई है इस फ्रैंकलिन के चक्कर में। चलते हैं यार बाहर, देखते हैं क्या सीन है। ये बाइक इधर ही खड़ी रहेगी और क्या, इसको यहाँ पे खड़ी नहीं करनी यार, ये बाइक चोरी हो जाएगी यहाँ से। तो ऐसा करता हूँ कि वो जो सिटी वाला नया गैराज है ना, तो इसको वहीं पे छोड़ना है। तो बबलू ये अपने सिटी वाले नए गैराज पे इसको छोड़ना है बाइक को, सही है, यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर चोरी हो जाएगा। चलो बस निकलते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं ये चेक कर लूँ कि ड्राइवर गाड़ी को कहाँ कहाँ ठोक के आया है, गाड़ी की कंडीशन। ओ भाई सामने से इसने ना कहीं ठोकी है गाड़ी, खुद ही आ गया था सामने, डेरी वाला आ गया था। हाँ तो गाड़ी के ब्रेक नहीं मारता तो कभी भी, मुझे पता है ना। जाहिल इंसान अब बैठो अपनी गाड़ी में, निकलते हैं। मंगल भाई क्यों रहते तेरे, मंगल भाई यार हैवी बाइक है इसमें, मतलब इसके सच के तो मतलब पैसे तो पूरे करने हैं ना इसके। और दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी पता नहीं कहाँ ठोक के आया था वो ड्राइवर। मंगल भाई इसको कहाँ चलानी आती है, और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है ये, मैनुअल इससे कहाँ चला जाएगी। माइकल भाई अब स्लो चलाओ ताकि वो भी स्लो चलाए, ऐसे वो स्पीड में आएगा कहीं ठोक देगा गाड़ी में। मैं स्लो ही चला रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा। माइकल भाई इसको नहीं गैराज ले चलो बाइक को, वहाँ पे मतलब खड़ा करते हैं इसको। हाँ वो जो सिटी वाला गैराज है ना, वो वैसे भी खाली पड़ा है यार, उसमें कोई गाड़ी वगैरह नहीं है हमारी, एक सुपर कार खड़ी है बस, जो गैराज के साथ ही खरीदी थी वो, तो गैराज के साथ ही खरीदी थी। तो चलो चलते हैं देखते हैं यार, व्हीलिंग तो काफ़ी अच्छी हो रही है लेकिन मरते मरते बचे। तो चलो अब सीधा गैराज पहुंच के बाइक को खड़ा करते हैं, गैराज पहुंचने वाले हैं। माइकल भाई ट्रेवर वाले आ गए। हाँ मैं चलो चलते हैं, मैंने बाइक भी पार्क कर दी है अंदर, तो निकलते हैं बस। मगल भाई अब इस गाड़ी में आ गए यही बाइक से। हाँ यार ये भी सही है, ये भी अच्छी गाड़ी है। मगल भाई और कितनी दूर है वो लोग पिकनिक लोकेशन? बस पहुँचने वाली है। ओ यार ये मैंने टर्न खतरनाक लिया था, क्योंकि मैं ना लेट हो गया था टर्न लेते हुए, तो मैं आगे निकल गया था, इसलिए मुझे एकदम से टर्न लेना पड़ा। मगल भाई आप भी एक दिन मरवाओगे। माइकल भाई ये तो बहुत अच्छी लोकेशन है माइकल भाई, मैं ये सोचता था कि पंखे किसको हवा देते हैं माइकल भाई। हाँ यार मैं भी ये सोचता था कि ये है क्या बलाएं, इनको करीब से जाके देखते हैं, तो इसलिए मैंने पिकनिक के लिए, ओ यार ये नीचे आ गया करीब, तो मैंने इसलिए पिकनिक के लिए ये जो है ना लोकेशन मैंने चूज़ की। माइकल भाई बेस्ट लोकेशन, बेस्ट वेरी बेस्ट। हाँ यार ये बेस्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि होल्ड करते हैं थोड़ी देर, देखेंगे कितनी हवा देते हैं ये पंखे। मतलब कुछ चल रहे हैं कुछ खराब हो गए। माइकल भाई खराब नहीं हो गए, मुझे लगता है उनकी लाइट चली गई इसलिए वो बंद है। वो लाइट नहीं चली गई, वो खुद ही लाइट बनाते हैं, वो हवा से चलते हैं पागल। अच्छा माइकल भाई पर उनका यहाँ पे पान कहाँ से मिलेंगे, हमें पान तो लेके नहीं आया था।
यार इसको अभी भी पानों की पड़ी है। मैं यहाँ पे ये टरबाइन देखने आया हूँ, ये क्या चीज़ें यार, कितने बड़े टरबाइन हैं ये। फ्रैंकलिन कभी ना इनको भी निकाल के चले जाएंगे, से निकाल के ले जाएंगे घर। वाह माइकल भाई, वेरी गुड आइडिया। यार ये लाखों करोड़ों के होंगे, सस्ते तो होंगे नहीं। ये एक अपने घर पे लगा लिया ना, पूरे मोहल्ले की बिजली चलेगी और कभी लोड शेडिंग भी नहीं होगी, लाइट जाएगी ही नहीं। हाँ माइकल भाई, गुड आइडिया। माइकल भाई इसको कभी उठा लेंगे हम। तो बैठो नीचे। तो यार यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगे, लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है लेकिन। यार ये साले साइकिल वाले के काम चेक करो बस, इसको यहीं से करीब से ही जाना था, इतना रास्ता पड़ा इसके लिए। अगर लगती ना तो मैं इसकी हालत ख़राब कर देता। हाँ माइकल भाई काम चेक करो उसके। माइकल भाई ये तो बहुत हवा दे रहे हैं टरबाइन। बैंक क्या मुझे पानी नहीं मिला, तुम लोगों को टरबाइन की लगी है। यार फ्रैंकलिन क्या करें इसका, माइकल भाई इसको यहीं छोड़ के चलते हैं, यहीं पड़ा रहेगा शायद। यार इसको यहाँ पे पिकनिक पे भी पानों की पड़ी है यार, पिकनिक बंदा एंजॉय करता है तो इसको यहाँ भी पान खाना है। बबलू तुझे डांस करना आती है? हाँ माइकल भाई क्यों नहीं आती। तो यार ठीक है, तू ना अभी डांस कर, तेरा वजन भी कम होगा, तेरे लिए एक्सरसाइज भी अच्छी है और तू मतलब यहाँ पे हमें एंटरटेन भी करेगा। माइकल भाई ये क्या कह रहे हो माइकल भाई? अरे सही तो कह रहा हूँ, तेरी चर्बी भी कम हो जाएगी और डांस भी कर लेगा कुछ। माइकल भाई डांस का मूड नहीं, अभी बाद में डांस करता हूँ। माइकल भाई अभी ये बताओ कि ये चोरी कैसे करना है, इतना बड़ा टरबाइन। इसका सोचेंगे यार, ये टरबाइन तो चोरी करना है ही है, मतलब किसी भी हाल में चोरी करना है, फ्री बिजली बनाते और क्या चाहिए। तो बबलू अब तेरा काम ये है कि तू डांस कर बेटा, तू अब ये ऐसे नहीं समझ के मैं भूल जाऊंगा, तू बातों में लगा रहा है, तू डांस कर अपनी। ओके माइकल भाई। वाह बबलू वाह, क्या डांस है तेरी। फ्रैंकलिन तू भी डांस कर इसके साथ अब। क्या लग रहे है दोनों, मतलब लड़कियां लग रहे, लड़के तो लग ही नहीं रहे किसी भी मतलब एंगल से, मतलब क्या ही सीन है यार। क्या यार तुम लोग लड़कियों की तरह डांस करते हो यार, शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। ये देखो, चलो ये डांस तो नहीं कर रहा। मैं डांस कौन कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बॉडी दिखा रहा हूँ। अच्छा बंद करो डांस, चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, अभी सैंडी शो चलना है। और माइकल भाई आपने खुद ही तो कहा था कि डांस करो, जब हमने डांस की तो आपने ये क्यों बोला कि तुम लोग लड़कियों की तरह डांस कर रहे हो। तो यार मैंने डांस का ऐसे ही मजाक में कहा था, अब मैं तुम लोगों को कहूँगा कि मतलब किसी बिल्डिंग से कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? नहीं माइकल भाई। तो तुम्हारे काम ही ऐसे है। अच्छा तुम लोगों को डांस आती है, इसका मतलब तुम डांस करते रहते हो। माइकल भाई बस सीख ली थी जीएफ को खुश करने के लिए। और बबलू तेरी भी जीएफ है, हैरानी की बात है यार। चलो अब गाड़ी में बैठो जल्दी से। सैंडी शोर ज़्यादा दूर तो नहीं है लेकिन ज़्यादा करीब भी नहीं है, जल्दी बैठो यार। बबलू को आगे बैठने देते, पहले ये बता दे मैं बैठूंगा, वो इतने नवाब है क्या। बस ठीक है तू बैठ जा। माइकल भाई कवे को मेरी जगह पे बिठा लिया। बस यार उसका दिल करे आगे बैठने का तो बैठने दे उसको। ओके माइकल भाई बस ठीक है। माइकल भाई गाड़ी आराम से चला रहा। माइकल भाई आराम से ही चला रहा हूँ, ये गाड़ी के शीशे वगैरह तो वैसे ही टूट गए, वहाँ पे हिट हो गई थी गाड़ी। हाँ माइकल भाई। यार यहाँ से नहीं चलते, रिवर्स लेता हूँ तो शॉर्टकट से चलते हैं ऊपर से। हाँ माइकल भाई शॉर्टकट से चलो। अब तुम वो कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रही क्या कर रहे हो? यार ड्राइवर बात ये है कि शॉर्टकट से चलते हैं। बैंक साइकिल वालों को क्या मतलब, दिल करे को उतार के इसको इनको मारे बोर्ड। हाँ यार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है इनके ऊपर, मतलब पता नहीं कैसे ही चला रहे हैं ये लोग। ऐसे तो मैं गाड़ी नहीं चला रहा जैसे वो साइकिल चला रहे हैं। तो छोड़ दो बेचारे को यार, गुस्सा तो बहुत आ रहा था मुझे इन पे। यार ट्रेवर मैं तो बार बार तेरे घर का रास्ता ही भूल जाता हूँ, मतलब सारी गलियाँ एक जैसी हैं यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कि मतलब तेरा घर कहाँ पे।
हाँ अंकल भाई, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। अंकल मुझे खुद याद नहीं रहता मेरा घर है, फिर भी मतलब मुझे याद नहीं रहता तो सोच लो। हाँ यार, यहाँ की लोकेशन ही अजीब है, मतलब शायद यहाँ पे। हाँ ये है, बड़ी मुश्किल से ढूंढा यार इसको, अजीब ही सीन है सारा। एक तो गैराज भी बंद है यार। कैसा घर है तेरा यार ड्राइवर? ये तो बेंटन का जो होता था ना दादा, जिसकी वैन होती थी वो, इससे बेहतर थी यार। ये तो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म घर है। तो गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी और क्या, बाद में अंदर कर लेंगे। हम अगल भाई मैं कर लूँगा अंदर। तो आ जाओ अंदर चलते हैं। ये पता नहीं कौन जाहिल खड़ा है यहाँ पे यार। ये घर घर कम कचरा ज़्यादा है। हाँ सही कहा अगल भाई।